अस्सलाम वालेकुम, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी चाइल्ड बर्थ के बाद कितनी जल्दी अपनी नॉर्मल रेगुलर सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं? उस लाइफ में आपको अब नए पर्सपेक्टिव में कैसे तैयारी करनी है, उसके लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, इस टाइम में आपको क्या नई अब प्रिकॉशंस लेनी है जो पहले आप शायद नहीं लेते रहे, और क्या एक्सरसाइज का भी कोई ऐसा रोल है इस टाइम में रिकवरी में फॉर योर फ्यूचर लाइफ? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। डिलीवरी के बाद या सजेरियन के बाद उनको ये होता है कि कब कितनी जल्दी वो अपना मैरिटल रिलेशनशिप या इंटीमेसी शुरू कर सकते हैं, और उस दौरान उनको क्या एहतियातें करनी चाहिए या क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस हैं या क्या डिफरेंट है जो उनको जो वो एक्सपेक्ट करें। सो बेसिकली एक 4 to 6 weeks का टाइम होता है जिसको परप्यूरियम कहते हैं, या उसको हमारी देसी जबान में उसको छिला कहा जाता है। तो वो टाइम है कि जो है मखसूस है मेडिकली भी, और अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि वो एक मखसूस टाइम है कि जिसमें औरत को रिकवर करने का टाइम दिया जाता है। वो किस लिए? क्योंकि एक बहुत बड़े प्रोसेस से, चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस से वो खातून गुजरी है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी थी या वो सजेरियन सेक्शन था। दोनों सूरतों में कुछ ना कुछ डिस्चार्ज भी है इन एरिया से, एक एग्जॉस्टन की फीलिंग भी है, एक फटीग भी है, एक नए बच्चे की जिम्मेदारी भी है। उसके अलावा जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो उसके साथ जो हॉर्मोनल चेंजेस हैं और उसके साथ जो ड्राइनेस है वो भी ज़ाहिर इन प्लेस है। और उसके अलावा ज़ाहिर है जब भी आप ये अपना रिलेशनशिप शुरू करते हैं तो फिर आगे फैमिली प्लानिंग की बात भी शुरू हो जाती है, तो कॉन्ट्रासेप्शन। सो ये तमाम कंसर्न्स हैं इस एरिया को लेकर कि कब रिलेशनशिप शुरू किया जाए और क्या क्या कंसर्न्स हैं जिनको के एड्रेस करना चाहिए। सो जैसे मैंने आपसे कहा कि 4 to 6 weeks, जनरली 6 weeks इज़ एन ऑप्टिमम टाइम जिसके बाद हम पेशेंट्स को अलाउ करते हैं कि ठीक है, दे कैन हैव इंटीमेसी। और उसमें बिकॉज दिस इज़ द टाइम जिसमें कि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर्स अपने नॉर्मल हालत तक वापस आ चुकी होती हैं, जो एबनॉर्मल डिस्चार्जेस वगैरह हैं वो क्लियर हो चुका होता है, कोई ब्लड फ्लो है वो क्लियर हो चुका होता है, अगर कोई टीयर आया था या कोई इंसीजन दिया था नीचे डॉक्टर ने या सिजेरियन के दौरान तो वो हील हो चुके होते हैं चीज़ें, और आपकी एक्लिमेटाइजेशन हो चुकी होती है साथ नए बेबी के साथ, उसको कैसे हैंडल करना है, उसके साथ कैसे जागना है, वो एक जो इनिशियल एक्यूट एग्जॉस्टन का फेस होता है वो ओवर हो चुका होता है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो टाइम एक ऑप्टिमल टाइम है। अगर उस टाइम में भी इस दौरान आप उसके लिए प्रेपरेशन किस तरह से कर सकते हैं कि क्योंकि मसल्स काफ़ी स्ट्रेच हुए होते हैं डिलीवरी के दौरान और प्रेगनेंसी के दौरान भी, तो आप हम एक्सरसाइजेस बताते हैं, कीगल्स एक्सरसाइजेस, जिसमें जैसे नीचे से पेशाब की नालियाँ जो रोकने के लिए पट्टे सुकेड़े जाते हैं उनको सुकेड़ने की एक्सरसाइज हम बताते हैं, ताकि इस एरिया की टोन आहिस्ता आहिस्ता वापस आए, ताकि आपकी जो फीलिंग्स हैं और जो सेंसेशंस हैं वो उतनी ही नॉर्मल हों जितनी के नॉर्मल आपको पहले महसूस हुआ करती थी। सो वो कीगल्स एक्सरसाइजेस शुरू कर लेना एक बहुत ही हेल्दी चीज़ है और वो ज़रूर कर लेनी चाहिए। और फिर जब भी आप रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, अगर आपको ब्रेस्ट फीड आप कर रही हैं और आपको लगता है कि आप ड्राइनेस ज़्यादा महसूस कर रही हैं और उतनी आपको लगता है कि ल्यूब्रिकेशन नहीं है, तो आप एक्स्ट्रा ल्यूब्रिकेंट्स अपने डॉक्टर की एडवाइस से यूज कर सकती हैं उस पीरियड के लिए, ताकि आपको उसमें फैसिलिटेशन हो। मजीद इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब भी अपनी अपने मैरिटल रिलेशनशिप दोबारा से शुरू करती हैं तो उसमें फिर आपने कॉन्ट्रासेप्शन ज़रूर करनी है। बड़ी हैरत होती है मुझे कि 3-4 बच्चों के बाद भी खवातीन आती हैं कि जी दोबारा प्रेगनेंसी हो गई, पता ही नहीं चला। मतलब कैसे पता नहीं चला? देखें, दीज आर द थिंग्स के जो You know, as a married woman, when you have had babies, you know that this is going to happen whenever, जब भी आपका relationship दोबारा शुरू होगा. So it's always better to start planning ahead. और जब भी आप अपनी gynecologist से postnatal visit पे आती हैं, यानी delivery के फ़ौरन बाद, तो आप उसी वक्त से, ideally तो हम antenatal period में भी इसको discuss कर सकते हैं, लेकिन at least postnatal period में जब आप एक हफ्ते बाद आती हैं तो आप उस वक्त तो ज़रूर अपनी gynecologist से इसको discuss करें और timely contraception start करें, क्योंकि जब फिर वो unplanned pregnancy हो जाती है तो उस पर फिर patients abortion के लिए आते हैं, और abortions जो हैं social grounds पे हमारे country में legalized नहीं है। So उस तकलीफ से और उस problem से उस वक्त बचने के लिए बेहतर है कि आप उसको टाइमली प्लान करें। कई मेथड्स हैं जो सेफ़ हैं। अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि बच्चे को आप और कुछ भी नहीं दे रही, पानी भी और नहीं दे रही, सिर्फ अपना दूध दे रही हैं, तो फर्स्ट 6 months में अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं जिसमें कि 3 to 4 times आपने रात को भी ब्रेस्ट फीड कराया, तो 98% तक वो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव सिक्योरिटी देता है
बट इट इज़ नॉट 100% रिलायबल. सो और ख़ास तौर पर अगर आपने बेबी को कुछ और साथ सप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, चाहे आपने वो चम्मच से पानी ही देना शुरू कर दिया या फॉर्मूला मिल्क देना शुरू कर दिया या कोई भी चीज़ और देनी शुरू कर दिया, तो फिर आप खाली ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड रिलाय नहीं कर सकते. फिर उस टाइम में अगर आप जो भी अवेलेबल मेथड्स हैं, जैसे बैरियर मेथड्स हैं, कॉन्डम्स वगैरह हैं, वो यूज़ किए जा सकते हैं. और हम आपको मिनी पिल्स, प्रोजेस्ट्रॉन कंटेनिंग पिल्स दे सकते हैं, इंजेक्शन रखे जा सकते हैं बाजू में. उसके अलावा यूट्रस के अंदर डिवाइसेस रखी जा सकती हैं. जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं उनके बारे में ये कहा जाता रहा है बहुत अरसे तक कि उनके उनको डिस्करेज किया जाता था पोस्टनेटल पीरियड में दो वजूहात की बिना पे, जिसमें से एक वजह तो यह है कि जी फर्स्ट मंथ जो डिलीवरी के फौरन बाद का है उसमें पेशेंट के खून जमने की टेंडेंसी वैसे ही ज़्यादा होती है और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स उसको मजीद बढ़ाती हैं. सो फर्स्ट मंथ को गुजारने के बाद आप उस परस्पेक्टिव से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले सकते हैं सेफली. और दूसरा कंसर्न यह था कि जी जो खवातीन ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं वो अगर पिल्स लेती हैं तो उनका ब्रेस्ट मिल्क आना कम हो जाता है. ये जो अब मौजूदा लो डोज पिल्स हैं उनके साथ ये कंसर्न अब नहीं है. सो पिल्स को भी आप सेफली इस्तेमाल कर सकती हैं. आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगेगी. थैंक यू सो मच.